अल्लाह फ्रेंड मैं नाम है एक्सपेरिमेंट तो गई आज की वीडियो में हम अपनी ब्रेक लाइट वाला काम पूरा करेंगे हम अब उसका मैकेनिज्म बनाएंगे तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो चलो वीडियो शुरू करते हैं तो भाई ये हमारी साइकिल पीछे और एल लगी हुई है पिछली बार भी हमने लगाई थी वो वीडियो पिछली किसी ने नहीं देखी तो जाके देख ले फौरी अरे बेड़ा कर उठ जा भाई यार ये बहुत गलती होती है जब बहुत बुरा होता है जब कैमरे में ऐसा हो तो उसके लिए हमें वायर अब हम यूज़ करने लगे हैं वो होगी इस मोटर के आर्मे में से वैसे मैं कहूँगा कि आर्मेचर आप किसी बड़ी मोटर का लो क्योंकि उसकी वायर मोटी भी होगी और नज़र तो वैसे भी नहीं फिर भी नहीं आएगी और ये तो वैसे भी नज़र नहीं आएगी क्योंकि छोटी सी बरीक सी तार है आप ज़रा थोड़ी सी ट्रिक्स यूज़ करो तो फिर ये बहुत अच्छा हो जाएगा काली टेप क्योंकि ये टापा काला है इसलिए काली टेप यूज़ करेंगे हम पर पहले इसको हम छील लेंगे क्योंकि ये छील गई काम आती है वैसे काम नहीं आती तो छीलना क्या इसके ऊपर कटर लो या रेग मार ले लो और इसको रगड़ लो किसी सीमट वाली चीज़ के साथ तो अब भैया हम आ गए हैं मैंने तारे पहले एक दफ़ा चेक करके दिखा दूँ कि इन तारों से वाकई में करंट गुजरता है वैसे जिन लोगों को पता है इसके बारे में नॉलेज है तो उन्हें तो पता ही होगा ही लेकिन ये नहीं पता उन्हें भी पता लग जाएगा ये देखो मैंने तारे मिलाई और ये पीछे से एल हमारी चल रही है वैसे मैं कहूँगा कि दो यूज़ करो एल एक एल यूज़ ना करो क्योंकि ये सिर्फ अंधेरे में ही नजर आएगी अगर दिन में भी दिखाना चाहते हो तो फिर दो एल यूज़ करो तो अब देखो मैं आ गया हूँ बाहर क्योंकि ये वीडियो दो एक दिन पाँच घंटों में तीन चार घंटों में लगी है तकरीबन तो पहले मैं अभी ये स्लीव यूज़ कर रहा हूँ वैसे मुझे करनी नहीं चाहिए पर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं टेप नहीं है मेरे पास काली वाली टेप भी नहीं है लाल टेप है मेरे पास तो इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई और मैं काली टेप ले नहीं सकता क्योंकि मुझे आसपास मिल नहीं रही वैसे आम मिल जाती है उसका कोई मसला नहीं है तो ये स्लीव मैंने यूज़ की है फालतू पड़ी थी कहीं काम नहीं आ रही थी तो सोचा कि इसी को यूज़ कर लें वैसे आप एल्फी भी यूज़ कर सकते हो पर ध्यान रहे कि एल्फी से प्रॉब्लम हो सकती है तो भाई अब हमने करना ही है कि मैं बैटरी ले रहा हूँ नो वोल्ट वाली एक टर्मिनल के साथ मैंने वो हमारी लाइट की तार लगा दी है अब जो दूसरी तार मेरे पास बची है इसे मैं नीचे ले जाऊँगा और मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्रेक सिस्टम कैसे बनेगा बड़ा मज़े का बनेगा और ऐसा आइडिया किसी ने भी यूट्यूब पर अभी तक नहीं डाला तो ये काम हम ही करेंगे तो पहले हमें करना क्या होगा कि इस तार को थोड़ा सा काट के इधर ऊपर रेग मार से सारा रगड़ टापे पे रगड़ के इधर लगाना होगा ताकि इस टापे में हमारी बैटरी का करंट जा सके तो मैं टापे को रगड़ते हैं और काव्य की वजह से तो देख सकते हो कि अब मैंने लगा दिया है वो एक जो एलईडी की तार है ना लाइट की वो मैं सीधा जीजों से नीचे लेके गया हूँ और नीचे से मैंने ये जो ब्रेक का आपको एक पतली सी नज़र आ रही है इसके ऊपर मैंने लगा दिया वैसे आप कॉपर की यूज़ करें आगे इस तार के आगे बरक तार के आगे एंड वाला जो कोना है ना वो कॉपर का यूज़ करें अगर वो कोना लगाओगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो जल्दी नहीं उतरेगा और वो जो दूसरा माइनस टर्मिनल है बैटरी का उस माइनस टर्मिनल को हम टापे पे कॉमन दे देंगे ये देख सकते हो मैं आपको अभी मिला के दिखा रहा हूँ तो ये अपनी लाइट चल रही है हाँ थोड़ी सी मध्यम चल रही है लेकिन ये सही हो जाएगी इतना कोई मसला नहीं बनता अभी तो वैसे ना मैं आपको कहूँगा कि जो लाइट वाली तार है ना जो हमने इधर काले वाले पे लगाई है इसके आगे ना आप मोटे मोटी कॉपर की तार यूज करें क्योंकि वो कॉपर की तार फिर ज्यादा इधर उधर हिलेगी नहीं ये देख सकते हो ये, ये कॉपर की तार क्योंकि मैं पीछे गलत कर चुका था तो इसलिए मैं अब ये कॉपर की तार यूज कर रहा तो हूँ और पहले मैं इधर टेप भी, भी लगा दिया है जाए। ताकि ये करंट पास ना हो जाए क्योंकि अगर टेप नहीं होगी तो फिर इस सारे में करंट आ जाएगा और फिर हमारी लाइट चलती रहेगी और इस तरह हमारी बैटरी सिस्टम का सत्या नाश हो जाएगा काम करता हूँ तो टेप लगा दी अब इसको मैं टेप से ही जोड़ूंगा ये देख सकते हो मैंने जोड़ दिया अगर मैं आपको कैमरे के साथ दिखा सकूं बल्कि नहीं जोड़ा अभी मैं अभी इसे जोडूंगा अब देखो ये यहाँ से तार जा रही है उधर टापे पे लगा लगानी है और एक इधर मैं वैसे आपको मिला के दिखाता हूँ एक दफ़ा कि एक करंट पास कर रही है आराम से मैं मिला के दिखाता हूँ अभी इन दोनों को तो देखो जैसे ही मैं मिलाऊँगा टापे के साथ तो ये देखो कि हमारी लाइट चलने लग पड़ेगी तो यही सारा फंडा है यार अब मैं आपको और अच्छी तरह दिखाता हूँ ब्राइटनेस के साथ तो ये देख सकते हो मैंने कॉपर की तार इधर लगा दी है अपनी और ये जो कॉपर की तार है मोटी वाली ये हमारी लाइट पे जा रही है और जो दूसरी ब्रिक वाली तार जो हमने जो हम और ब्रीक वाली जो तार है वो मैंने बैटरी के दूसरे टर्मिनल से लेके सीधा डायरेक्ट टापे पे दे दी थी तो उन तो अभी मैं आपको ब्रेक लगा के दिखा रहा था कि जैसे ही मैं ब्रेक लगाता हूँ तो वो पिछले से पीछे से लाइट चल पड़ती है तो अब इसकी फाइनल टेस्टिंग पर चलते हैं यार और ये सिंगल सिंपल आसान सी चीज़ है यार इसमें किसी भी किस्म की फ्रिक्शन से की ज़रूरत नहीं है इसको बस बैटरी को मैं कवर कर दूंगा टेप से और देख सकते हो कि ये किस तरह हो गया अब इस वक्त और इस क्लिप की रिकॉर्डिंग मुझसे सही तरह नहीं हो सकी ये पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट में होगी ही मुझसे तो उसके लिए सॉरी जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी टेस्टिंग ऐसे करते हैं फिर इसको बाकायदा चला के भी दिखाएँगे ये देख सकते हो जैसे ही मैं ब्रेक दुबता हूँ अपनी लाइट चल जाती है अब मैं ज़रा टायर पे ज़ोर मार कर पैडल चलाता हूँ ज़रा ज़ोर से और फिर ब्रेक लगाता हूँ तो ये देख सकते हो रुक गई तो ये नहीं कि अपना सिस्टम एकदम ओपे काम कर रहा है